लॉकडाउन के बीच बेरोजगार हुई टीवी की हसीनाएं, बिना क्लाइमेक्स के बंद हुए शोज तो छूट गए उदासी भरे आंसू। जी हाँ, एक तरफ जहाँ लॉकडाउन की वजह से पूरी टीवी इंडस्ट्री का काम ठप पड़ा है, तो वहीं इस बीच कई बड़े बड़े पॉपुलर शोज पर लॉकडाउन का ग्रहण लग गया। जी हाँ, हमारा मतलब यही है कि बिना किसी अंजाम, बिना किसी क्लाइमेक्स के ही इन शोज को अचानक बंद कर दिया गया। और जो शोज अचानक बंद किए गए हैं उनकी लिस्ट देखिए, वो है नजर 2, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, बेहद 2, पटियाला बेब्स और इशारों इशारों में। लेकिन आपको बता दें कि इन पांचों शोज की एक्ट्रेसेस अपने शो के अचानक बंद हो जाने से काफी अपसेट हैं। इनमें से तो कुछ इतनी बुरी तरह डिप्रेस हो गई हैं कि उनके उदासी भरे आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें अगर स्टार प्लस के सुपर नेचुरल शो नजर की, तो इस शो की एक्ट्रेस श्रुति शर्मा इस खबर से ऐसी हैरान परेशान हुई कि वो फूट फूट कर रोने लगी। जी हाँ, श्रुति ने बताया कि नजर 2 के बंद होने की खबर से उनका दिल टूट गया। आलम ये था कि वो रोती ही जा रही थी। वेबसाइट स्पॉट बॉय से खास बातचीत में श्रुति कहती हैं, मुझे ये दुखद खबर प्रोडक्शन टीम से मिली, ये दिल तोड़ने वाला था। इस समय हमारी इंडस्ट्री आर्थिक तंगी से गुजर रही है, ये हर किसी के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन अब शूटिंग बंद है तो ऐसे में फ्रेश एपिसोड ऑन एयर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए शो को बंद करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि श्रुति ही नहीं बल्कि शो की लीड एक्ट्रेस मोनालिसा भी इस खबर से काफी दुखी हुई और उन्होंने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि इस खबर ने उनका दिल तोड़ दिया। लेकिन ये तो रही बात नजर 2 की। इसके अलावा सीरियल दिल जैसे धड़के धड़कने दो के बंद होने की खबर पर एक्ट्रेस आशीष सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है। वैसे आपको बता दें कि आशीष सिंह अभी तक शो का हिस्सा नहीं बन पाई थी, लेकिन मार्च के महीने से उनकी एंट्री होनी थी, मगर लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो सका और अब इस खबर ने आशी का दिल तोड़ दिया है। आशी ने इसके बारे में बात करते हुए स्पॉट बॉय को बताया है, सच कहूं तो मैं शॉक नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है शोज को अचानक बंद किया जा रहा है, लेकिन ये दिल दुखाने वाला है कि मैं इस शो के लिए शूटिंग भी शुरू नहीं कर पाई। मैं फिर से काम करने को लेकर एक्साइटेड थी, मुझे शो की स्टोरी लाइन काफी पसंद आई, लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें नहीं हो पाई। वहीं अगर बात करें सोनी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पटियाला बेब्स की, तो हाल ही में शो की लीड स्टार अशनूर कौर ने भी इस खबर पर अपना रिएक्शन दिया। अशनूर ने कहा था, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि हमारा शो अब बंद हो रहा है। मैं दुखी हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पटियाला बेब्स में मिनी का किरदार निभाया। वल इनके अलावा बेहद 2 की स्टार जेनिफर विंगेट ने भी शो के बंद होने पर अपना दुख जताया है। वहीं शो इशारों इशारों में की स्टारकास्ट ने भी अपने शो के बंद होने पर दुख जताया। किसी को दरअसल ये यकीन ही नहीं था कि इनके शोज यूं अचानक बिना क्लाइमेक्स के ही बंद हो जाएंगे, और ऊपर से जब शोज बंद होंगे तो जाहिर सी बात है कि शो के स्टार्स बेरोजगार हो जाएंगे। तो वाकई ये दिल दुखाने वाली बात तो है ही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये तो फिलहाल 5 शोज ही ऑफ एयर हुए हैं, लेकिन अभी न जाने आने वाले दिनों में कितने और ही शो बंद किए जा सकते हैं।